किसान साथी मैं बीरेंद्र सिंह कशवाहा फार्मर जर्नलिस्ट में आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं आपको बता दें कि आज हम बांदा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर पे हैं और बांदा कृषि विश्वविद्यालय में आज कई इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं यहां पर भ्रमण के लिए आई हुई हैं जो यहां पर बता दें कि जो टमाटर की जो टेक्निक्स लगाई गई है उस टेक्निक्स को देखेंगे और जो कलर्ड फूल फूल गोभी ब्रोकली पाक गोभी आज जो लगी हुई हैं इस टेक्निक के नीचे ही उन टेक्निकों का उन्होंने यहाँ पर देखेंगे और यहाँ की जो टेक्निक्स हैं उनको अपने फार्मर घरों में जाकर के किचन गार्डनिंग करके व अन्य विधियों के माध्यम से यह तकनीक को अप्रूव करेंगे बांदा कृषि विश्वविद्यालय का संरक्षित केंद्र और शोध केंद्र है जहां पर आज महिला महाविद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा आज यहां पर अवलोकन किया गया साथ में आप तस्वीर देखेंगे कि उस चीज़ का अवलोकन किया गया जो इस समय बांदा यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस चीज़ है यानी आपको बांदा कृषि विश्वविद्यालय में सब्जी जो विभाग है जो सब्जी विभाग है उसमें जो डॉक्टर राजेश कुमार सिंह द्वारा यहाँ पर जो रिसर्च करवाया जा रहा है उसका जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर आज इन छात्राओं को अवलोकन कराया गया उस अवलोकन के दौरान जो झाड़ियों में फरने वाला टमाटर है उसको देखा गया और साथ में उसके नीचे जो फूल गोभी कलर्ड फूल गोभी का उत्पादन किया जा रहा है शोध केंद्रों में उसका भी अवलोकन कराया गया आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ी है साथ में ये रुचियाँ अब अपने घर तक पहुँचाने में भी मददगार होंगे वहीं इतना ही नहीं यहाँ पर जिस प्रकार से बांदा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के शोध चलते हैं कृषि से संबंधित शोध हैं जिसमें फसल उत्पादन का है फल उत्पादन का है सब्जी उत्पादन का है फल फूल उत्पादन का है इन तमाम जो शोध केंद्र हैं उन शोध केंद्रों का आज छात्राओं द्वारा अवलोकन किया गया और उस अवलोकन में जो यहाँ पर सबसे खास है वो है टमाटर यानी जो टमाटर है वो गुच्छेदार टमाटर का फलन होता है उन फलनों को भी यहाँ पर छात्राओं को दिखाया गया उनके साथ आई हुई शिक्षक व शिक्षिका यहाँ पर उन फोटो को अपने मोबाइल में कैद करते हैं नजर आए हैं साथ में जो यहाँ पर बता दें कि जो फूल गोभी इसके नीचे उत्पादन किया जाता है वो कलर्ड फूल है जो एक आकर्षण का केंद्र बिंदु माना गया है साथ में इसमें जो खूबसूरती है टमाटर की जो लेयरिंग की उसकी जो छवि है उसको कैप्चर करके अपने फोन में रखते हुए छात्र छात्राएं वह शिक्षिका देखने को मजबूर हुई वहीं आपको बता दें कि ये जो एक ग्रीन हाउस बनाया गया है ग्रीन हाउस को भी यहाँ पर बताया गया है कि ग्रीन हाउस क्या है ग्रीन हाउस में किन किन चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं इसका क्या महत्व है इन तमाम चीज़ों की जानकारी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह द्वारा दिया गया है साथ में इन तमाम जो छात्र छात्राएं आई हुई थी बांदा स्कूल से उन स्कूलों के जो छात्र छात्राएं थे लाइनिंग में जाकर के इन सभी चीज़ों का अवलोकन किया है और अवलोकन के समय में डॉक्टर राजेश कुमार सिंह और उनके सहयोगी साथी उन मददगार साबित हुए और मदद के माध्यम से इन सभी छात्र छात्राओं को कृषि के जो उत्पादन है रिसर्च है उन चीज़ों की जानकारी दी गई आप तस्वीर देखेंगे कि, कि संरक्षित खेती का जो शोध केंद्र है यहाँ पर आज सभी छात्र छात्राएँ अवलोकन है की हैं और अवलोकन के बाद सभी ने कहा कि इस तरह की खेती को हम भी अपने घरों में बताएंगे साथ में इन खेतियों का किस तरह से हम लोग उत्पादन कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को भी अपने घर तक पहुँचाने में मददगार होंगे और इसके साथ में हमारे जो डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं उन्होंने छात्र छात्राओं को सभी को सीख दी कि एग्रीकल्चर ही कृषि ही देश को आगे बढ़ा सकता है